बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 6.1 के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं द फॉलोइंग डेटा गिवन दी वेजेस इन रुपीज़ ऑफ वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स की वेजेस गिवन है, वर्कर्स की सैलरी यहाँ पर गिवन है बाय टेकिंग 10 एज अ क्लास इंटरवल, ठीक है। अब क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं, 6.1 में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको कह रहे हैं आपने 10 एज अ क्लास इंटरवल लेना है और फाइंड आपने क्या करना है, कम्युलेटिव। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में आपने क्या ड्रा किया था, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की थी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, और पोलीगॉन आपने ग्राफ ड्रा किया था। अब इसमें आपको कह रहे हैं कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, CF इसको बोल सकते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पोलीगॉन जब आ जाता है तो ये मतलब है कि आपके पास ग्राफ है। जब आपको बोले कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने CF फाइंड करना है, और जब आपको कहा जाए कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पोलीगॉन ड्रा फाइंड करना है तो ये इसका मतलब है पोलीगॉन मतलब हमने ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। इस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पोलीगॉन को आप OGIF भी कहते हैं, जिस तरह आपके ये पेज नंबर 130 पे बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है, द कर्व इज़ आल्सो कॉल्ड अ OGIF, ठीक है। आप इसको OGIF का भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए OGIF ड्रा करें तो उसका यही मतलब है कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ही आपने ड्रा करना है। अब सबसे पहले आपके पास डेटा गिवन है, इस डेटे में से हमने क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर सबसे पहले फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास मिनिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ से हम मिनिमम नंबर सबसे पहले देख लेते हैं, तो आपके पास मिनिमम नंबर कौन सा है, 58 जी, मिनिमम नंबर आपके पास 58 है। और मैक्सिमम वैल्यू भी हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 150, ठीक है, 150 आपके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अब सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था आपने बाय टेकिंग एज 10 एज अ क्लास इंटरवल, मतलब क्लास इंटरवल आपके पास कितने, 10 है, ठीक है। आप लिख सकते हैं क्लास इंटरवल, पूरा आपने लिखना है, मैं सिर्फ CI लिख रही हूँ, क्लास इंटरवल आपके पास कितने, 10 है। अब यहाँ पर हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल आपने 10 है, ठीक है। अब क्लास इंटरवल का एक बॉक्स आ जाएगा। अब जाहिर है आपको क्वेश्चन में बोला गया था कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, तो मतलब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने क्लास बाउंड्री लाजमी फाइंड करनी है। फिर एक में हम वेजेस लिख देंगे, जो आपके पास हम यहाँ से ये सारी वैल्यूज जो लिखेंगे वो हो जाएगा। एक हमने फ्रिक्वेंसी भी फाइंड करनी है, एंड पे हमने क्या फाइंड करना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड होगी, तो तब आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड होगी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं उसको हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये हो गया। सबसे पहले तो हमने क्या लिखना है, क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। अब आपकी यहाँ पर मर्जी, आप 58 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 58 से पीछे 55 से स्टार्ट करते हैं, आगे से स्टार्ट नहीं करना, मतलब 60 से स्टार्ट नहीं करना, 55 58 उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 55 से भी आप इसको ले सकते हैं, और या फिर आप 58 से भी ले सकते हैं। अब जिस तरह 6.1 था, वहाँ पर मैंने जो मिनिमम नंबर था वहीं से मैंने स्टार्ट लिया था, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 55 से, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन थे 6.1 उन सारों में जो मिनिमम नंबर था वहां से लिया था, इसको हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। बात एक ही है, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी, क्वेश्चन का आपका पैटर्न ठीक होगा, ठीक है। तो यहां पर 58 है, तो हम यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं 55 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, 55 से, ठीक है। अब क्वेश्चन में 10 एज अ क्लास इंटरवल बोला गया था, तो आपके पास ये 3 3 3 और ये यहां पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 55, बाज़ दफ़ा बच्चे 55 से 65 लिख देते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर 10 आ गया, नहीं, आपने लाजमी काउंट करना है, ठीक है, 55 को इंक्लूड करना है, 55 56 57 58 59 60 61 62 63 और ये 64। तो इसका मतलब है आपके पास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। 55 से 65 तक करेंगे तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये 10 क्या, लेकिन वो 11 का बन जाता है, क्योंकि हम 55 को भी इंक्लूड करते हैं, 64 को भी इंक्लूड करते हैं, तो तब आपके पास क्लास इंटरवल 10 आ जाता है। अब 64 के बाद 65 है, तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि 65 है, तो नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या होगा, 74 होगा, ठीक है। इसी तरह हम इन सारों को लिख लेते हैं, कहाँ तक जाना है, 150 तक जाना है, ठीक है। 75 से किधर तक जाएगा, 84, फिर 85 से 94 और फिर 95 से
95 से 104 आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, 104, फिर 105 से 114 आ जाएगा, ठीक है, आप इसको काउंट कर सकते हैं, नहीं तो ये देख लें 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो आपके पास ये 14 आ जाएगा, फिर 115 से 124, 125 से 134 आ जाएगा, ठीक है, इसको हम आगे तक लिखते हैं, जब तक आपके पास 150 आना आ जाएगा उसके बाद हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है, 135 से आपने लिखना है 144, 145 से आपने लिखना है 154, तो अब आप देख सकते हैं इसमें आपके पास आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास बाद दफ़ा अगर ये 144 तक करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इसमें नहीं आएगी, तो इस वजह से आपने 150 तो आगे तक जा सकता है लेकिन उससे पहले तक नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लाइन लगा देते हैं। अब ये फर्स्ट वाला तो आपके पास क्या था, क्लास इंटरवल था, क्लास इंटरवल। सेकंड भी हम क्या लिख लेते हैं, क्लास बाउंड्रीज लिख लेते हैं, ठीक है, क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं कि आपके पास यहाँ से 55 है, एक नंबर आपने 0.5 आपने पीछे लेना है और 64 से 0.5 आगे लेना है, तो 55 है तो 55 से क्या आ जाएगा, 54.5 आ जाएगा और इसको आगे करेंगे तो 64.5 आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 64.5 ये अपर, ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है और ये अपर क्लास बाउंड्री होती है, ठीक है, इसी तरह आपके पास आ जाएगा 74.5, 84.5, 94.5, ये 104 का क्या आ जाएगा, 105 का 104.5, 114.5, 124.5, ठीक है, मैं फिलहाल पहले लोअर वाली लिख लूँ उसके बाद हम इसकी अपर बाउंड्री लिखेंगे, ठीक है, 134.5 और 144.5 आ जाएगा। अब इसकी हम अपर बाउंड्री लिखते हैं तो 74.5, 84.5, 94.5, 0.5 आगे जाएगा, ठीक है, 104.5, 114.5, 134.5, 144.5 and 154.5 आ जाएगी, ठीक है, हमारे पास ये क्लास बाउंड्री भी फाइंड हो चुकी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, क्लास बाउंड्री के पास वेजेस फाइंड करने, ठीक है, ये आपके पास वेजेस गिवन थे, जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस गिवन है, तो हमने यहाँ पर वेजेस फाइंड करने, ठीक है, अब हमने देखना है 55 से 55 इंक्लूड करने और 64 भी इंक्लूड करने, 55 और 64 इंक्लूड है और इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर कौन कौन से नंबर आते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास 60 भी आएगा, ठीक है, 60 आ जाएगा, इसके अलावा 60 के बाद जो हम लिख लेते हैं अंडरलाइन कर दें उसके बाद 58 आ जाएगा, 58 आ गया, ठीक है, और नहीं है आपके पास, ठीक है, अब 65 से 74 तक अगर हम देखें तो आपके पास सबसे पहले कौन सा आएगा, 70 आएगा, ठीक है, 70 और ये 66 आ जाएगा, 66 और ये 73 भी आएगा, ठीक है, इसमें आते हैं 73, ये आपके पास तीन आ गए हैं, ठीक है, अब 75 से 84 के दरमियान देखते हैं, ठीक है, 75 से 84 के दरमियान, पहले सबसे तो 75, ठीक है, सबसे पहले 75 आ जाएगा, फिर 80 भी आएगा, साथ में अंडरलाइन कर लें, फिर 85 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा, 84 आ जाएगा, 84, फिर 84 जी, 76 भी आएगा, 76, फिर दोबारा 84 भी आएगा, 95 नहीं आएगा, 100 भी नहीं आएगा और 90 भी नहीं आएगा, 90 बस ये इतनी है, ठीक है, कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और ये जी 77 भी आ जाएगा, 77 भी आ गया, ठीक है, अब 85 से 94 तक, तो सबसे पहले 85, फिर 90 भी इधर ही आएगा, ठीक है, 90 और 90 के बाद 95 नहीं आएगा, 150 नहीं, फिर दोबारा 90 और फिर दोबारा 90, ठीक है, 90 आपके पास 3 times है, बस ये लिख लेते हैं, ये और ये हो जाएगा। अब 95 से 104 तक के हमने देखने हैं, ठीक है, 95 से 104, पहले सबसे 95 आ जाएगा, 95, फिर 100 भी इसी में ही आएगा,
100 हो गया और 98 भी आएगा, बस ये आपके पास तीन ही थे, ठीक है। अब आपने 105 से 114 तक के देखने, ठीक है ना, तो आपके पास 105 114 के है ही नहीं है, तो आपने इसमें ज़ीरो लिख देना है। ज़ीरो ना लिखें क्योंकि ज़ीरो डिजिट है, आपकी इसकी जगह छोड़ दें, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब 115 से 124 तक, तो 120 सिर्फ है एक, ठीक है, आपके पास 120 आ जाएगा और सिर्फ हम लोग के पास 150 रह गए, तो इसका मतलब इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है और लास्ट वाले में आपने क्या लिखना है, 150 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, अब हम इस पर लेदर लाइन लगा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो ये कितनी है, 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3, इधर आपके पास 0, यहाँ पर आपके पास 1 0 0 और 1 आ जाएगी, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी भी लिख लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, ठीक है। अब कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप CF से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम लिखनी है। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी इसको इसमें ऐड करना है, मतलब 2 + 3 करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है इसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में आपने ऐड करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इस 11 को आपने इस फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस 15 को आपने 3 में ऐड करना है, तो आपके पास 18 आ जाएगा। 18 को जब आप 0 में ऐड करेंगे तो आपके पास फिर भी 18 रहेगा। फिर 18 को आपने 1 में ऐड करना है, तो मतलब जो आंसर आएगा आपने उसको नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देना है, तो उसको आप क्या बोलते हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। 19 को 0 में ऐड करना है तो 19 ही आ जाएगा। फिर दोबारा से 19 को 0 में ऐड करेंगे, 19 ही आ जाएगा। और फिर आपने 19 को 1 में ऐड करना है तो आपके पास 20 आ जाएगा। अब ये जो आपके पास 20 आया है, ये पूरी फ्रीक्वेंसीज आपके पास कितनी है, 20, आप काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास डेटा गिवन है वो 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20, तो आपके पास जो कम्युलेटिव लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास टोटल जो गिवन डेटा होता है वो आपके पास होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने आपको जब 6.1 स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी स्टैट की, देखिए अब यहाँ पर किसी ने भी, जो आपके पास कोई था जिसने ये वर्कर्स की सैलरी को क्या किया है, उसका डेटा कलेक्ट किया है। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमें नहीं पता कि 85 से 94 तक जिन वर्कर्स की सैलरी है वो कितने लोग हैं, तो अब जब हमने ये पूरा क्वेश्चन किया तो हम कह सकते हैं 85 से 94 तक के जो लोग थे, जो वर्कर्स थे जिनकी सैलरी 85 से 94 तक की थी, तो वो कितने वर्कर्स थे, 4 वर्कर्स थे, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 115 से लेकर 124 तक के कितने वर्कर्स हैं, आप कहेंगे 1 है। अगर आपसे पूछा जाए 135 से 144 तक की जो सैलरी है उसमें कितने वर्कर्स हैं, तो आपने बोलना कोई वर्कर नहीं है, 0 वर्कर है, ठीक है। तो ये देखिए आपने सॉल्व करने पे टाइम लगे है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, ठीक है। तो हमने क्लास बाउंड्री क्यों फाइंड किया, क्योंकि आपको इसका इसी का ही क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको बोला गया कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको क्लास बाउंड्री चाहिए थी, ठीक है। अब जैसे 6.1 था तो उसमें आपने क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, लेकिन अब यहां पर बोला है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, तो क्लास बाउंड्री आपको चाहिए और दूसरा आपको क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब आप फ्रीक्वेंसीज देखें कहां तक है, 20 तक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज तो 20 तक है और यहां पर क्लास बाउंड्री है। अब इसका पहले सबसे हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक साइड पर हमने लेना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यहाँ पर हमने लेनी है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 20 तक है, तो जाहिर है अब 0 1 2 3 हम इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे, तो आप यहाँ पर 2 2 का डिस्टेंस रख सकते हैं, 3 3 का रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 2 का रख लेते हैं, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
20, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस साइड पे तो हमने बाउंड्रीज ले ली है, ठीक है, तो क्लास बाउंड्री। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जब हमने पिछले जब किया था, सिर्फ जब आपको बोला जाए आप हिस्टोग्राम ड्रा करें, पॉलीगॉन ड्रा करें, तो फिर आपने यहाँ से लेनी है, ठीक है, बाउंड्री। लेकिन जब आपको बोला जाए कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है, तो फिर आपने इससे लेना है, ठीक है। सिर्फ ये जो आपके पास अपर क्लास बाउंड्री है ये वाली लेनी है। तो सबसे पहले आपके पास कितनी आ जाएगी, 64.5। नेक्स्ट आपके पास 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, 124.5, 134.5, 144.5, 154.5। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लास बाउंड्रीज है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया, एक वाई एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा, जिस तरह सिंपल आपने नाइन्थ क्लास में एक यूनिट पढ़ा था, एट पॉइंट लास्ट एक्सरसाइज थी यूनिट एट की, जिसमें आपने सिंपल फ्री हैंड पे ग्राफ ड्रा किया था, इसका उसी तरह होता है, ठीक है। इसको ओगिव भी बोलते हैं, फ्री हैंड भी आप कह सकते हैं, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपने देखना है 64.5 पे आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी, 2 है, तो आपने यहाँ पर क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है। नेक्स्ट पे आपके पास 5 है, अब 4 और 6 है, तो 5 इसके दरमियान में आएगा, तो आपने यहाँ पर डॉट लगा देना है। फिर आपके पास 11 है, तो 11 आपके पास 10 और 12 के दरमियान 11 है, तो आपने इनके दरमियान में लगाना है। फिर आपके पास 94.5 पे कितनी है, 15 है, तो आपने 14 से थोड़ा सा आगे आपने जाना है, 15 आ जाएगा। फिर आपके पास 18, ये 18 आ जाएगा। फिर दोबारा आपके पास 18 है, 114 पे आपके पास दोबारा 18 है, ठीक है। फिर आपके पास 19 इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा। फिर 134 पे फिर आपके पास 19 है, तो आपने इधर ही लगाना है। फिर 144 पे भी आपके पास 19 है, तो आपने इधर ही लगाना है। और लास्ट पे आपके पास 20 है, तो आपने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। ये हमने डॉट्स लगा लिए। अब आपने इन डॉट्स को फ्री हैंड पे, मतलब आप स्केल रख के भी कर सकते हैं, लेकिन बस बेहतर ये या आप इसको इसी तरह ज्वाइन कर सकें, ठीक है। ये तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। क्वेश्चन में आपको यही बोला गया था कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।